धम्म तो भाई पिपल जी उनके पास पहले से ही है और धम्म के फायदे धम्म को जब जीवन में उतारते हैं तब समझ में आते हैं, क्योंकि ये जो आज दीक्षा है, पहले दीक्षा का मतलब समझ लें। दीक्षा का मतलब वो नहीं है जो संस्कृत वर्ड दीक्षा बोलता है, ये पाली का वर्ड है, इसका मतलब है दिक्खा। दिक्खा दिक्खा का मतलब है देखना सिखाना, दिक्खा माने होता है देखना, देखना सिखाना। मतलब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई संप्रदाय दे दिया या एक कोई पुराना आपका संप्रदाय रहा हो, है ही नहीं किसी का, उस संप्रदाय को बदल के यहाँ ले आए, या कोई कन्वर्जन है या कोई बदलाव है या धर्म बदल गया, ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान बुद्ध जो सिखाते थे वो दिक्खा जब देते थे तो वो देखना सिखाते थे। देखना क्या है? जो धम्म प्राकृतिक नियम है उनको दिखाना, वो दिखा है, उसको दीक्षा बोलते हैं संस्कृत में। उसका प्रतीकात्मक रूप बना दिया लोगों ने कि आए और कुछ कर्म कांड सा किया और कह दिया आप दीक्षित हो गए या दीक्षित हो गए, वो दीक्षित नहीं हो सकते। तो दीक्षा का मतलब है दर्शन, दर्शन माने, दर्शन को हिंदी में बोला जाता है देखना, दिखाना। तो जीवन को कैसे देखना है, अपने को कैसे शुद्ध करना है, कैसे आपको पंचशील का पालन करना है, कैसे बाकी शीलों का पालन करना है, तीसरण का कैसे पालन करना है, ये सब यहाँ दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई संप्रदाय है, आप किसी समुदाय में जबरदस्ती आपको डाला गया है, अभी ये कह दिया कि आपका समुदाय बदल गए और आप मुक्त हो गए, ऐसे नहीं है। तो यहाँ लोगों को बताया जाता है, भिक्षु बताएंगे कि जीवन कैसे बढ़िया चलता है, भगवान बुद्ध ने कैसा कहा है, बस यही दीक्षा है, यही दिखा है। और वो बार बार बताई जाती है, दिखाई जाती है, समझाई जाती है, दिट्ठे से भी बोलते हैं उसको, दिट्ठा भी बोलते हैं उसको। तो ये टोटल जो कार्यक्रम है निरंतर प्रयास का है, लगातार चलते रहने का है। जिन्होंने दीक्षा शब्द नहीं सुना उनको दीक्षा समझना चाहिए, दीक्षा जो समझ चुके हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, जो आगे बढ़ चुके हैं उनको औरों को सिखाना चाहिए, जो सीख चुके हैं उनको जन जन तक पहुँचाना चाहिए। इंजीनियर साहब, ये देखा जाता है कि किताबों में कुछ पढ़ाया जाता है, जैसे आज एक दिन का ये प्रोग्राम है, एक दिन का समारोह है, जो दीक्षा दी जाएगी, लेकिन किताबों में और पढ़ाया जाता है एक दिन में ही, क्या हम लोग इसको सीख सकते हैं या हम इसमें इस रास्ते पर चल सकते हैं क्या? हाँ, एक दिन में भी, एक घंटे में भी, एक साल में भी और पूरे जीवन में नहीं। ऐसा बुद्ध ने अपने 45 साल के जीवन में बड़े लोगों को देखा, सबके समझने की, सबके देखने की और सबके सुनने का, सबका समझने का, सबकी प्रज्ञा अलग अलग लेवल की होती है। तो एक शब्द में भी आ सकता है और पूरे जीवन में भी ना आए, इसको आप उतारें तो एक बात से उतारें तो उसी में कामयाबी मिल जाएगी, पूरे जीवन रट्टा मारते रहें तभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए ये एक्सेप्ट ग्रहण करने वाले के ऊपर है कि वो उसको कितनी जल्दी और कैसे ग्रहण करता है, और ये सभी के लिए है। लेकिन सर, किताबों में पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की जो माता है वो सरस्वती है और धन की जो माता है वो लक्ष्मी है, तो किताबों से वो ज्ञान मिलेगा, मतलब इस तरीके के आप लोग बताएंगे उससे ज्ञान मिलेगा? नहीं, ज्ञान तो लेने वाले के ऊपर है, ज्ञान तो सभी तरह का होता है, एक सम्यक ज्ञान होता है, एक असम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान वो होता है जो शरीर के लिए, परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए, देश देश के लिए ठीक हो, और असम्यक ज्ञान वो होता है जो ना खुद के लिए ठीक हो, ना मोहल्ले के लिए ठीक हो, ना परिवार के लिए, ना दोस्तों के लिए, ना देश के लिए, ना उसके लोगों के लिए ठीक हो। तो आप जो ज्ञान ले रहे हैं उससे क्या सबको लाभ है, क्या आपको लाभ है, क्या आपके पड़ोस में सबको लाभ है, सम्यक ज्ञान है? और क्या जो ज्ञान आप ले रहे हैं उससे किसी को नुकसान है, चाहे वो आपके पड़ोसी मुल्क को है, चाहे वो आपके भाई को है, या आपके रिश्तेदार को है, आपके मोहल्ले को है, आपके देशवासी को, तो वह सम्यक ज्ञान है। तो बुद्ध का तो सारा ज्ञान ही सम्यक है, इसलिए पहला ज्ञान ऐसा है जो बुद्ध ने दिया कि उन्होंने हर बात में सम्यक शब्द जोड़ा, यानी सही जोड़ा।